हेलो गाइज, एक बार फिर मैं अपने चैनल आर के मोरा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। टुडे आई कम टू शहीद स्मारक पार्क रायबरेली। आज हम शहीद स्मारक पार्क में आए हैं जो रायबरेली का एक ही बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। यहां की सुंदरता और यहां का मंदिर इतना प्रसिद्ध है कि लोग दूर दूर से आते हैं इसे विजिट करने के लिए। तो आज हम लोग आपको मंदिर के दर्शन करवाएंगे, जो मंदिर शहीद स्मारक पार्क के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर साई नदी के किनारे बना हुआ है, जहां की सुंदरता इस नदी के द्वारा भी जानी जाती है, क्योंकि इस नदी में रेगुलर पानी बहता रहता है और उसी के नियरेस्ट में बगल में यह मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर को देखने के लिए हमारे सभी दर्शक लोग आते हैं और इस मंदिर को विजिट करते हैं। आप भी आइए कभी मौका मिले तो। इस मंदिर भारत माता की जय एक बार जरूर लिखिए, क्योंकि इस मंदिर का नाम शहीद स्मारक नाम से जाना जाता है और यह मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ कई लोगों ने अपनी सुंदरता और अपने दृश्यों को यहाँ पर विजिट किया है और यहाँ पर बहुत सारी ऐतिहासिक तत्वों को यहाँ लेखन किया गया है। एक बार आइए और देखिए। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, यहाँ पर एक भारत माता का एक बहुत ही चित्र बना हुआ है, जो इस मंदिर का सबसे खूबसूरत नज़ारा माना जाता है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैप बना हुआ है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। इस जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ये बहुत बड़ा मैप है। इसमें सभी कंट्रीज का नाम दर्ज किया गया है और यहाँ एक बहुत बड़ा गार्डन लगाया गया है, जो इस मंदिर की शोभा बढ़ाने में सबसे अहम भूमिका निभा रहा है। और यहाँ का दृश्य इतना सुंदर है कि यहाँ की चचहाता हुआ मौसम और यहाँ की सुंदरता को देखने के लिए और कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको देखने में मन भावुक कर देती हैं। तो एक बार आइए और आप भी इस रायबरेली मंदिर साई नदी किनारे की सुंदरता को देखिए और इसमें आप अपने ऐतिहासिक स्थलों को जानिए, जो हमारे देश के लिए कुर्बान हुए लोगों की तस्वीरें बनी हुई हैं, जैसे भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद। और यहाँ पर नेशनल फ्लैग का चिन्ह भी लगा हुआ है और इस सुंदरता को देख करके सभी इंडियन लोग और उनकी भावनाओं को लेकर के यहाँ पर बहुत ही भावुक मन से एक दृश्य दिखाई देता है, इसीलिए इस मंदिर को प्रसिद्ध माना जाता है। थैंक यू।